क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार कौन सा है? यहाँ पे मैंने कभी एक दो साल नहीं, पूरा मतलब कि जब इंडिया शुरू हुआ था, जब इंडिया में कार बनना शुरू हुआ था, तब से कौन सी कार है जो सबसे ज़्यादा बिकी है? नंबर 5 पे आता है टाटा इंडिका। ये कार जो है 15 लाख कार सेल हो चुका है इंडिया में। नंबर 4 पे आता है इंडोनाइट सैंड्रो। ये कार जो है 13 लाख कार सेल हुआ है। नंबर 3 पे आता है मारुति सुजुकी 800। अब ये कार आप जान के चौंक गए होंगे कि ये कार जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यूनिट वाले में है, मतलब कि इंडिया का सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कार में से एक ये कार आता है। और ये जो कार है लगभग 25 लाख कार मतलब इसकी सेलिंग हुई थी इंडिया में, और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंडिया में धमाका मच गया था ये कार आते साथ। और इस कार का मुनाफा हद से ज़्यादा हो गया था इस कार की। नंबर 2 पे आता है मारुति ओल्डो। ये कार जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था इंडिया में आते ही, मतलब इसका कार का भी एकदम धमाका मच गया था। नंबर 3 वाले कार जैसे ही इसका धमाका मचा था। आप बताइएगा कि आपको ये मॉडल अच्छा लगा कि नहीं लगा। मेरे को तो घटिया लगता था। और ये कार जो है अभी भी इंडिया में चलती है। नंबर 1 पे आने वाली कार है हिंदुस्तान। जी गाइस, ये कार जो है इंडिया में आते ही धमाका मच गया था इस कार का भी। और ये जो कार थी बहुत ही ज़्यादा इंडिया का टॉप 1 पोजीशन पे आने वाला कार था। और इस कार का नाम सबसे पहले इंडिया में पड़ा था, 4-व्हीलर में आया था ये, हिंदुस्तान मोटर ऑफ इंडिया। ये जो कार है बहुत ही ज़्यादा फेमस वाली कार में से आता है। जो कार है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैं इसके बारे में उतना बता नहीं सकता आपको, यानी कि आप समझ लीजिए सभी कारों का किंग था ये किंग। और ये कार जो है 40 साल इंडिया में चला है। गाड़ी इतना ज़्यादा सबके दिलों में फेमस हो गया था कि इसका नाम जाना गया किंग ऑफ इंडिया रोड। कार लगभग 2005 तक चलाया गया था इस कार को, और इस कार को 40 लाख यूनिट सेल भी हो चुकी थी इस कार को। और ये कार बंद होने का एक ही रीज़न था कि ये समय के साथ चल नहीं रहा था, मतलब कि ये कार जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना दिखने लगा था। जो बाकी कंपनी वो एकदम जोर दोरों से नई नई कार बनाई जा रही थी, लेकिन ये कार में कुछ बदलाव नहीं किया गया और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन में इसको रखा गया था, जिसके कारण ये समय के साथ पीछे हो गया और इसको बंद करना पड़ा। और इसमें कुछ डेवलप नहीं करने के कारण ये कंपनी भी ठप हो गई और बंद हो गई कंपनी इसकी। इसलिए कार समय के 2005 तक ही चला था। अगर हम पूरे प्लेनेट का ले लें, मतलब कि अपने अर्थ का, तो उसमें से ये लाडा क्लासिक आता है। 17 मिलियन यूनिट सेल हुई थी इसकी। फिर आता है फोर्ड मॉडल टी। ये कार जो है 20 मिलियन यूनिट सेल हुई थी इस कार की।